आज ऐसे एक शख्स के बारे में जानेंगे जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि वह स्कूल से एक बार ऐसे भागे कि और स्कूल नहीं गए, परंतु अंत में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं सौरभ मंडल आपको इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज जानेंगे हम पीरू सिंह शेखावत के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं उनके बचपन के बारे में। पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजपुताना के बेरी के रामपुर बेरी गांव में हुआ था। वह लाल सिंह के पुत्र थे। उनके परिवार में 7 बच्चे थे, 3 भाई और 4 बहनें, जिनमें से सिंह सबसे छोटे थे। एक युवा लड़के के रूप में सिंह को हमेशा स्कूल से नफरत थी, क्योंकि वह प्रतिबंधित वातावरण का सामना करने में असमर्थ थे। एक दिन अपने एक सहपाठी के साथ झगड़ा करने के लिए अपने क्लास टीचर द्वारा डांटे जाने के बाद सिंह भाग गए और फिर स्कूल नहीं लौटे। उसके बाद सिंह ने अपने माता पिता को उनके खेत में मदद करना जारी रखा और एक सुगठित और सुंदर युवक के रूप में बड़े हुए। शिकार एक स्थानीय भारतीय खेल उनका पसंदीदा खेल था। हालांकि सिंह बचपन से ही सेना में शामिल होना चाहते थे। 18 वर्ष की आयु में भर्ती होने से पहले उन्होंने 2 बार सेना के भर्ती में जा चुके थे, परंतु उन्हें वहां से अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे उस समय बहुत छोटे थे। तो चलिए जानते हैं अब पीरू सिंह शेखावत के मिलिट्री करियर के बारे में। पीरू सिंह शेखावत को 20 मई 1936 को झेलम में पहली पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में भर्ती किया गया था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1 मई 1937 को सिंह को उनकी रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा के प्रति अपने पहले की शत्रुता के बावजूद सिंह ने शिक्षा को गंभीरता से लिया और इंडियन आर्मी क्लास सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन को पास किया। कुछ अन्य परीक्षणों को पास करने के बाद उन्हें 7 अगस्त 1940 को लांस नायक के रूप में प्रमोशन किया गया। पहली पंजाब की 5वीं बटालियन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें उत्तरी पश्चिम सीमांत पर कार्रवाई देखी। मार्च 1941 में उन्हें नायक के रूप में प्रमोशन किया गया और सितम्बर में झेलम में पंजाब रेजिमेंट सेंटर में इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। फरवरी 1942 में उन्हें हवलदार के रूप में प्रमोशन किया गया था। सिंह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री रनिंग में अपने रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर के रूप में प्रमोशन किया गया था। उन्हें अक्टूबर 1945 तक एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के हिस्से के रूप में जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक सेवा की। विभाजन के बाद सिंह को राजपुताना राइफल्स की 6वीं बटालियन में ट्रांसफर कर दिया गया था। तिथवाल के दक्षिण में डी कंपनी, जिसमें नंबर 2831592 पीरू सिंह हवलदार मेजर थे, वो दुश्मन के कब्जे वाले पहाड़ी पर हमला करने और कब्जा करने के लिए तैनात किया गया था। दुश्मन की स्थिति अच्छी तरह से खोदी गई थी और उन्होंने अपने एमएमजी को इस तरह से बैठाया था कि सभी संभावित जगह को कवर किया जा सके। जैसे ही हमला आगे बढ़ा, दोनों तरफ से भारी एमएमजी फायरिंग का सामना करना पड़ा। दुश्मन के बंकर से ग्रेनेड के गोले दागे गए। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह तब कंपनी के सबसे आगे के हिस्से के साथ थे। आधे से ज्यादा तबके को मारा या घायल देखकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध की ललकार के साथ उन्होंने शेष पुरुष को प्रोत्साहित किया और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ निकटतम शत्रु एमएमजी स्थिति की ओर बढ़े। ग्रेनेड के छर्रों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें कई जगहों पर जख्म कर दिया, लेकिन वह अपनी सुरक्षा की जरा सी परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। वह एमएमजी पोजीशन के शेष पर थे और स्टेनगन फायरिंग से गन क्रू को घायल कर रहे थे। अपने खून से लथपथ घावों की पूरी
अभेलना करते हुए उन्होंने एमएमजी चालक दल पर एक छलांग लगाई। उन्होंने संगीनों से मार डाला और इस तरह बंदूक को शांत कर दिया। तब तक उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह उस गड्ढे का एकमात्र उत्तर जीवित थे। उनमें से बाकी या तो मारे गए या घायल हो चुके थे। उन पर फेंके गए एक और अन्य ग्रेनेड ने उनके चेहरे को जख्मी कर दिया। उनके चेहरे से खून टपकने के साथ उनकी आंखों में घाव हो गए थे। वह खाई से बाहर निकल आए और दुश्मन के अगले ठिकाने पर हथगोला फेंक दिया और उसके बाद उन्होंने फिर दो और पाकिस्तानी सोल्जरों को मार गिराया। परंतु जब वो उस ट्रेंच से वापस निकल रहे थे तो उनके सर पे एक गोली आकर लगी। इस तरह वो अपनी सुरक्षा की जरा सी परवाह न करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस कारण 17 जुलाई 1948 को कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को अपने बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओह, प्रेस द बेल आइकन आल्सो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।